नमस्कार, स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज फिर आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हुआ हूं एक अच्छी वीडियो लेकर के। और आज हमारा वीडियो का टॉपिक है 2020 में मेष लग्न वाले, मेष राशि वाले, आपका करियर कैसा रहेगा, यानी आपका व्यापार और नौकरी का हाल कैसा रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ऐसे तो व्यापार का कारक ग्रह जो होते हैं दर्शकों, बुध होते हैं। नौकरी के कारक ग्रह जो होते हैं ये सूर्य होते हैं। और दोनों को मिला करके अगर संचालन किया जाता है तो उसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। यानी जीवन में व्यापार हो, नौकरी हो, ये दोनों चीजों में सफलता प्राप्त करने के लिए सूर्य का, बुध का और बृहस्पति का अच्छा होना अनिवार्य है। लेकिन मेष लग्न वाले, आपके लिए जो है व्यापार का और कर्म क्षेत्र का स्वामी जो होते हैं वो शनि होते हैं। व्यापार हो या कर्म क्षेत्र में नौकरी हो, ये प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, वो स्त्री हो या पुरुष हो। इसी से अपने जीवन का आप संचार करते हैं, इसी से भौतिक सुख सुविधाओं का आप जो है आनंद लेते हैं और पूरे परिवार का देखभाल भी इसी से होता है। जीवन में आपका महत्व, आपकी स्टेटस, आपकी इजिबिलिटी, सारे चीज जो होते हैं आपके व्यापार या नौकरी में उन्नति के कारण ही होते हैं। 2020 में अगर आप बारीकी से समझेंगे तो आप देखेंगे कि कब कब आपको करियर में जबरदस्त सफलता मिलने वाला है। 19 में क्या हुआ आपके साथ, शुरुआत में मार्च तक तो आपका ठीक रहा मेष लग्न या मेष राशि वाले, लेकिन 2019 का समय शुभ नहीं था। हुआ क्या कि अप्रैल में ही शुक्र नीच के हो गए। अप्रैल के बाद व्यापार में व्यक्ति जो मेष लग्न या मेष राशि के रहे, आपने परिवर्तन कर लिया। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। साथ में अक्टूबर में सूर्य नीच का हो गया। जो घीस पीट के आप जॉब कर रहे थे 2019 में, जो घीस पीट के आप मेहनत करके व्यवसाय कर रहे थे, उसकी भी हालात खराब हो गए और शनि पितृ दोष जबरदस्त बना करके पूरा की तरह आपको बर्बाद कर दिया था। मुझे इस बात का दुख निश्चित तौर पे है कि 2019 का समय मेष लग्न राशि वाले कर्म क्षेत्र की दृष्टि में, यानी व्यापार की दृष्टि में आपका बहुत खराब रहा 2020 में। परंतु ये चीज नहीं है, सबसे बड़ा योग 24 जनवरी से शनि का राशि परिवर्तन हुआ है। शनि धनु राशि से मकर राशि में, यानी आपके परफेक्ट कर्म क्षेत्र में चले गए हैं। चलिए मैं बारीकी से बताता हूं कि 2020 में नौकरी या व्यवसाय में आपको कब कब जबरदस्त लाभ मिलेगा और कब कब जो है थोड़ा सा परेशानी होगी, ताकि आप उसके अनुसार ही अपने जीवन का जो है निर्णय लें, उसके अनुसार ही जीवन का जो है आप प्लानिंग करें। सबसे पहला मैं बात बताना चाहता हूं कि कब कब आपका व्यापार अच्छा चलेगा, ये मैं बता देता हूं। कब कब आपको नौकरी में सफलता की प्राप्ति होगी, 30 जनवरी से शनि उदय हो जाएंगे। हाँ, निश्चित तौर पे जो है 24 जनवरी को शनि मकर राशि में प्रवेश किए, लेकिन 30 जनवरी तक शनि अस्त थे। 30 जनवरी से शनि उदय हो जाएंगे। 30 जनवरी के बाद मेष लग्न मेष राशि वाले, आपका जो है नौकरी हो या व्यवसाय हो, आप इसमें जिस फील्ड में भी हैं, कोई फील्ड बेसिक तौर पे नहीं है, मैं कर्म क्षेत्र के बारे में यह वीडियो बनाया हूं, आप जिस फील्ड में भी हैं आपको 100% जो है सफलता की प्राप्ति होगी। इसके बाद फिर मैं बात करता हूं 22 मार्च से लेकर के 4 मई तक मंगल जो है बहुत शुभ पोजीशन पे रहेंगे। और मंगल जब शुभ पोजीशन पे रहेंगे तो इस समय जो है आपको मार्च से मई के बीच में मंगल आपको विदेश यात्रा कराएगा, सम्मान की प्राप्ति कराएगा, सफल बनाएगा। मई से जून के बीच में
नौकरी के क्षेत्र में आप विदेश यात्रा करेंगे। मई से जून के बीच में जिनका व्यापार विदेशों से चलता है, आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। 31 जनवरी से लेकर के अप्रैल तक बुध का कंडीशन बहुत बढ़िया रहेगा, यानी बुध आपकी कुंडली में जो है ये व्यवसाय के मालिक है, यानी व्यवसाय में जिस फील्ड में भी आप हैं आपको सफलता की प्राप्ति होगी। ये भी स्पष्ट तौर पे समझने वाली बात है। 15 जनवरी से लेकर के 16 दिसंबर तक सूर्य का कंडीशन टॉप क्लास का रहेगा, यानी इस समय सूर्य उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, जो सरकारी नौकरी में है, जो ऐसे काम करते हैं जो बैठे बैठे धन आगमन करते हैं, आप लोगों के लिए कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी, इस पे कोई शक नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि कब कब समय थोड़ा खराब आपका रहेगा। सूर्य अगस्त में नीच के हो जाएंगे, यानी जब सूर्य अगस्त में नीच के रहेंगे तो इस समय अचानक धन आना बंद होगा और व्यापार में परेशानी सरकारी नौकरियों वालों की चालू हो जाएगी। फिर अक्टूबर में शुक्र नीच के हो जाएंगे, तो फिर अक्टूबर में आप कोई भी नौकरी या व्यवसाय में 2020 में मेष लग्न और मेष राशि वाले परिवर्तन मत करिएगा। अगर आप परिवर्तन करते हैं इस समय तो आप बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा मार्केट स्थिति उत्पन्न होगा कि आपको व्यापार में परिवर्तन कराने का प्रयास करेगा। यानी इस समय आप बच के रहेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। यानी पूरी वीडियो की अगर मैं बात करता हूं तो अगस्त से आपका मेष लग्न राशि वाले व्यापार की कंडीशन खराब होनी और नौकरी में कंडीशन खराब होनी चालू हो जाएंगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है उसका डिस्टर्बेंस चालू हो जाएगा। ऐसे पूरे व्यापार को बढ़िया बनाने के लिए एक छोटा सा मैं उपाय बताता हूं। कंटिन्यू आप शनि मंदिर जाएंगे शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आप रविवार के दिन जो है नॉनवेज को अवॉइड करें और रविवार के दिन शराब को बंद करें। यानी मेष लग्न मेष राशि वाले, वह नौकरी का क्षेत्र हो या व्यापार का क्षेत्र हो, 2019 में जो आपने कष्ट देखा वो सही नहीं था, लेकिन 2020 आपके लिए अत्यंत शुभ है। ये सारी भविष्यवाणियां गोचर के आधार पे होती है। जन्म पत्रिका में कुछ बदलाव आपके भविष्यवाणी में थोड़ा बदलाव ला सकता है, इसकी 100% गारंटी होती है। फिर भी जीवन में कोई समस्याएं हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपने जन्म पत्रिका हस्तरेखा वास्तु दिखा सकते हैं। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आता रहूंगा आपके पास और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के। आज लेता हूं आपसे इजाजत दर्शकों, नमस्कार।